5 मई 2023 तक बम बम बाबा कुटिया में लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम ऑफ अस कमिंग टुगेदर। आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल, और आज केदारनाथ के पट खुल गए हैं। मैं उदास इसीलिए हूँ क्योंकि अपना प्लान बन चुका था, मेरा ई पास बन चुका था, यात्रा पास वाला, लेकिन मैं तब पर भी केदारनाथ इस साल नहीं जा पाया। Last night in my dream I saw unity। ना दो कैरेक्टर है, एक है ओपुलेंट का जो व्लॉगर है, एक है शिवम का जो कोई नहीं जानता। शिवम वांटेड टू गो टू केदारनाथ बहुत बैडली, तो जब मैं व्लॉगिंग अभी बीच में बंद कर दिया था मैंने एक महीने के लिए, तो आई थॉट कि चलते हैं, ब्रेक चाहिए बहुत ज्यादा। लेकिन उसके अंदर के ओपुलेंट ने बोला कि अगर तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा ओपुलेंट तुम्हारे अंदर बचेगा ही ना, आफ्टर ऑल यू हैव व्लॉग्ड सो मच, क्यों ना जा रहे हो तो थोड़ा सा शूट भी कर लेना। शूट करने के लिए तो मेरे पास बस आईफोन था, मैंने सोचा कि अगर केदारनाथ गए और तुमने ड्रोन नहीं उड़ाया तो फिर केदारनाथ क्यों गए एज अ व्लॉगर। तो ड्रोन नहीं था मेरे पास, कैमरा भी नहीं था मेरे पास, और कुछ लेंसेस नहीं थे मेरे पास, जो मेरे प्राइमरी रिक्वायरमेंट थे उस चक्कर में मैंने केदारनाथ की ये वाली ट्रिप 2023 वाली कुर्बान कर दी। तो इसीलिए मैं दुखी सा। हेलो, क्या कितना बजे क्लासेस हो? आधा घंटे के बाद, दो ढाई के बाद, तीन बजे एग्जैक्ट 3 बजे। हेलो, एम आई टॉकिंग टू प्रिंस? मैं शिवम बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपका नंबर मुझे अन्य बोला था कि इनसे बात करो, शायद ये अपना ड्रोन सेल करना चाहते हैं। डू यू वांट टू सेल योर ड्रोन? हाँ सर। तो कौन सा मॉडल है आपका? DJI Mini 2। वो किट के साथ है क्या? अच्छा, फ्लाई मोर किट के साथ है। कब खरीदा था आपने? लास्ट ईयर मार्च में। ओके, अब ठीक है क्या उसमें? अच्छा, आप यूज करते हो? ओके, आप कहाँ पे रहते हो? कोलकाता में। अच्छा, आप घर में रहते हैं? अच्छा, तो कैन यू मीट? तो कहाँ पे आपका घर है? तो मैं आपको कुछ देर में कॉल करता हूँ। थैंक यू। केदारनाथ के भक्त ने जिस दिन ये ठाना था कि वो केदारनाथ नहीं जाएगा, उसी दिन उसने ड्रोन का इंतज़ाम करना स्टार्ट कर दिया था, और वो घड़ी आ चुकी है जब ड्रोन अपने पास आने वाला है, अगर सब कुछ सही रहा तो। देखेंगे, ड्रोन अगर सही रहा तो विल बाय द ड्रोन, क्योंकि यहाँ पे कहीं ड्रोन मिलता नहीं है, टेस्ट का तो भूल ही जाओ। अब बस कैमरा बचा है। भैया, किस चीज़ का तैयारी हो रहा है? यज्ञ का। कितने तारीख से? 29 तारीख से यज्ञ है, 5 तारीख तक महायज्ञ यहाँ पे हो रहा है बम्बावा कुटिया में, और मैं ऐसा उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी यहाँ पे रहेंगे, तो 7 दिन घर से बाहर रहेंगे, घर में कोई डांटने वाला नहीं। दिनांक 29 अप्रैल 2023 से दिनांक 5 मई 2023 तक बम बम बाबा कुटिया में शिव शक्ति यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बम बम बाबा कुटिया में यज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। तीस तारीख से शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है, आहुति दी जाएंगे, मंत्र पढ़े जाएंगे विश्व शांति के लिए, ग्लोबल पीस के लिए। पिछले बार हुआ था तो भोंपू लगा था, तो घर के पास भी लगा था, तो सुनने मिलता था सुबह शाम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे अभी कोई थे नहीं, तो उनके मुंह से आपको बताता कि यज्ञ का महत्व क्या होता है। अगर कोई मिलेंगे तो मैं पूछ लूंगा उनसे। बहुत प्यास लगी थी, बस पानी पीने यहाँ पे आ गया। बाय द वे, दिस इज माय न्यू सेटअप, अभी नया नया हेलमेट में इसको लगाया है माउंट को। हेलो माइक चेक। मेरी एक टांग नकली थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। हेलो माइक चेक। महायज्ञ में पिताजी घर पे नहीं रहेंगे, पिताजी आहुतियाँ देंगे, मंत्र पढ़ेंगे, मैं घर पे शांति से वेजिटेटिंग कर पाऊंगा, मुझे कोई नहीं डांटने वाला घर पे, कोई नहीं, दादी को छोड़ के और मम्मी, मतलब कि
सारे लोग डांटते मुझे। एनीवेज वाओ ये हेलमेट बहुत कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे महाराज जी थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़े देर रुकिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे तो जयकारा करेंगे तो अच्छा लगेगा। पर मुझे तो क्लास जाना है, इट्स 2:30 ऑलरेडी। आपको याद होगा कि ये हाथीपाड़ में हुआ था, तो मैं वहाँ गया था, व्लॉग भी मैंने बनाया था। तो केदारनाथ इस बार तो नहीं हो पाया, क्या पता इस बार भी हो जाए, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे यार महादेव की जो डोली जाती है ना, वो मुझे देखनी थी, पूरे साथ साथ चलना था, बहुत कुछ करना था, लंबा ट्रिप था। केदारनाथ तो बस एक जगह थी, और भी बहुत सारे जगह, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अभी हो सकता है बुलावा ना आया। अरे बाप रे, इतना मोहल्ला भी महान है यार। Most of the time I forget to eat, so someone literally has to remind me go eat something out. तो जब मैं क्लासेस करता हूँ ऐसे बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, 4-5 क्लासेस आप कंटिन्यूस करोगे तो सर में दर्द हो ही जाएगा, that happens. But मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। Usually I eat something very light. बाहर में अगर कुछ खाना भर रहा तो I remember कि one time I had to go to this place, something like the name was something like Family Times करके था food truck, and my student Arnav had recommended this. तो मैंने वहाँ पे जाने वाला था, but on the very same day I got a request saying कि dear opulent या dear शिवम ऐसे करके था, एक letter था Instagram पे, मुझे message मिला था and he had invited me. तो मैं उसी दिन जाने वाला था और वो कोइंसिडेंटली वो उसी दिन मुझे उसने इन्वाइट किया था, तो मैं वहाँ पे गया। मुझे अर्नव ने रिकमेंड किया था पनीर सैंडविच, मैंने पनीर सैंडविच खाया, इट वॉज अमेजिंग। 60 रुपये में अब क्या ही मिलेगा, बहुत अच्छा मुझे लगा। तब मैं घर आने वाला था, विंटर का टाइम था, लेकिन ही सेड कि ट्राई आउट सम शेक्स एज वेल, तो मैंने ड्रैंक सम शेक्स एज वेल एंड देवर अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओरियो किटकैट, मतलब पहली बार मैं शेक्स ऐसा पीता नहीं हूँ, मीठा खाने वाला ज़्यादा लड़का नहीं हूँ, दैट्स व्हाट आई प्रेफर नमकीन, लेकिन उस वो जो शेक्स बनाया था उसने कमाल का शेक था। आज सोच रहा हूँ कि मैं शायद आज भी वहाँ पर चले जाऊँ, आई डोंट इवन नो कि इफ इट्स देयर एनीमोर। वी बांट के सामने ही फूड ट्रक था फैमिली टाइम्स, बहुत अच्छा था, और मुझसे एक भी जरा सा पैसे नहीं लिए थे उसने, जीरो।